पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए भाकपा माओवादियों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा चायबासा मुख्य मार्ग 2 IED बम लगाए थे, जिनका वजन 40 किलो था। जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने बम को निष्क्रिय कर दिया। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार चायबासा पुलिस, CRPF, जगुआर पुलिस, कोबरा बटालियन और BDDS टीम की टीम ने जिले में 1 करोड़ के इनामी नक्सली अतिराम मांझी उर्फ अनद झा और महाराज प्रमाणिक दस्ता की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष, हमारे संवाददाता। तो पुलिस, CRPF और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, वहां से क्या कुछ अभी संतोष निकलकर सामने आ रहा है, क्या हालिया अपडेट्स वहां से निकल के सामने आ रहे हैं संतोष? जी, अभी तक तो जो सामने आ रही है बात, वो जो है 40-40 किलो के 2 बम थे जो कि गोइलकेरा चायबासा मुख्य मार्ग चित्रलिपि से 400 मीटर पहले ही 2 पुलिया के बीच लगाया गया था। इस पर पुलिस को अजय लिंडा को जो है गुप्त सूचना मिली थी कि वहां पर नक्सलियों ने कुछ बम विस्फोटक बिछा कर रखे है। तो उसी पर जो है CRPF और जो जगुआर और चायबासा पुलिस सर्च अभियान चलाया है। उस चलाने के दौरान यह बम मिली है संतोष, जिसे दोनों तरफ से राउंड फायरिंग चली है, दोनों की तरफ से पुलिस और नक्सली दोनों के बीच फायरिंग चली है। क्या किसी पुलिस के इस हमले में हताहत होने की खबर सामने आई है, किसी भी जवान के? जी नहीं, किसी तरह की कोई हताहत की खबर नहीं मिली है। पुलिस भारी पड़ रहे हैं नक्सली पर, नक्सली भागने में कामयाब हो रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष। बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।